किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और पावरफुल माइक्रो न्यूट्रेंट्स बनाने की विधि के बारे में बताने वाले हैं, जिसको आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये जो कल्चर हम घर पर तैयार करते हैं, इसके द्वारा हमारी फसलों पर, कोई भी यदि हमारी फसल है उस पर किसी भी तरीके का रस चूसक कीटों का अटैक है, यानी कि सकिंग पेस्ट का अटैक है, तो इसके स्प्रे के बाद उसको आप बेहद इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स का काम करता है। यदि आपकी फसल में ग्रोथ अच्छे से नहीं आ रही है तो इसके स्प्रे के बाद आपकी फसल में ग्रोथ आने शुरू हो जाएगी, नई नई शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है, फूल बनने वाली अवस्था में है, और उसमें जो फूल हैं, फ्लावर हैं, वो ढंग से नहीं आ रहे हैं, ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो इसके स्प्रे के बाद आपकी फसलों में जो फ्लावर हैं वो भी आने लगेंगे, अधिक संख्या में आने लगेंगे, फल अधिक संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपकी फसल के पत्ते पेले पड़ रहे हैं तो इसके स्प्रे के बाद वो आपकी जो फसल है वो हरी भरी दिखाई देगी। यानी कि इसके स्प्रे के बाद आपको अपने फसल में, अपने पौधों में एक चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। हमने इस कल्चर को पहले से टेस्टेड किया है, उसके आधार पर हम आप इसको बता रहे हैं। हमने इसको बैंगन के प्लांट पे टेस्ट किया था। उसके बाद हमारे जो बैंगन के प्लांट थे, पहले उसमें क्या था बैंगन के प्लांट में कि उनकी जो ग्रोथ थी वो अच्छे से नहीं आ रही थी। वो फ्लावरिंग स्टेज में थे, उनमें फ्लावरिंग अच्छे से नहीं आ रही थी, पत्ते पेले पड़ रहे थे और उसमें जो रस चूसक कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने इसके जो उस पर 3 स्प्रे दिए एक एक हफ्ते के अंतर से। 3 स्प्रे के बाद हमने उसमें एक चमत्कारिक बदलाव देखे। उसमें जो सूट्स थे, नए नए सूट्स निकलना स्टार्ट हो गए, जो पत्तियां थी वो हरी भरी हो गई, फ्लावरिंग उसमें हमने जबरदस्त देखी। उसके बाद फ्रोटिंग भी, जो फल थे उसमें, वो भी हमने उसमें जबरदस्त देखी। यानी कि एक बहुत ही अच्छे बदलाव हमें देखे। तो इसलिए हम आपको ये जो कल्चर है वो बताने की विधि बता रहे हैं। इसको आप घर पर बनाएं और किसी भी फसल पर आप स्वयं इसके परिणाम देख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो जान लेते हैं। देखिए, इसके बनाने के लिए आपके पास गौमूत्र होना चाहिए 15 लीटर। यदि आपके पास गौमूत्र अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पशु, आपके पास जो भी पशु है उसका मूत्र आप ले लीजिएगा 15 लीटर। और ये आपको किसी जो क्रिया करनी है एक प्लास्टिक के ड्रम में करनी है तो एक प्लास्टिक का ड्रम ले लें आप, बड़ा सा, 20 लीटर का, 50 लीटर का, जो भी हो, तो उसमें आप 15 लीटर गौमूत्र लेना है या किसी अन्य पशु का मूत्र लेना है, और उसमें उसी पशु का जिसका आपने मूत्र लिया है उसी पशु का गोबर आपको 2 kg उसमें डाल देना है। उसके बाद उसमें हमें 1 किलो बेसन डालना है। यदि बेसन हमारे पास नहीं है तो अन्य कोई दाल है आपके घर में, जो भी दाल अवेलेबल है उसको आप पीस लीजिएगा बारीक, उसको 1 किलो आप उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद हमें उसमें 1 किलो, यदि हमारे पास मक्के का आटा अवेलेबल है तो मक्के का आटा आप 1 किलो डाल दीजिएगा। नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। यदि आपके पास सरसों की खली अवेलेबल है तो उसमें 1 किलो सरसों की खली डाल दीजिए। सरसों की खली नहीं है तो नीम की खली है वो डाल दीजिएगा। यानी कि अन्य कोई भी तिलहनी जो भी फसल होती है उनकी खली यदि आपके पास अवेलेबल है तो 1 किलो उसमें आपको वो डाल देनी है। उसके बाद आपको एक लोहे का टुकड़ा लेना है, वो डाल देना है उसमें। लोहे का टुकड़ा ध्यान रखें कि उसमें जंग ना लगा हो, साफ टुकड़ा हो, तो वो 1 टुकड़ा उसमें वो डालने हैं। तावे का कोई बर्तन है तो आपको उसमें वो भी डाल देना है, कोई तावे का बर्तन हो, तावे के तार हो, वो उसमें डाल देना है। उसके बाद 1-2 तरीके के जो पत्ते हमारे पास अवेलेबल हैं उनको भी क्रश करके आप इसी कल्चर में डाल दीजिएगा। जैसे आपके पास अमरूद के पत्ते हैं तो वो डाल दीजिएगा थोड़ा सा क्रश करके, पपीते के पत्ते हैं वो डाल दीजिएगा, भांग के पत्ते आप डाल सकते हैं, कांग्रेस घास के पत्ते आप डाल सकते हैं। इस तरीके से 3-4 तरीके के पत्ते थोड़े थोड़े लेकर 100 ग्राम 200 ग्राम वो उसमें बारीक करके वो डाल दीजिएगा। अब इसको आप ढक करके, यदि गर्मियां हैं, टेम्परेचर हाई है, 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो 1 हफ्ते के लिए छाया में ढककर इसको छोड़ दीजिएगा कहीं छाया वाले स्थान पर। और यदि सर्दी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो 12 से 15 दिनों तक इसको रखकर आप छोड़ दीजिएगा ढककर। और 12 से 15 दिनों बाद यदि सर्दी है और यदि गर्मी है तो 1 हफ्ते बाद यह तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको छान लीजिएगा, छान कर इसको अलग कर लीजिएगा। छानने के बाद अब आप इसको स्प्रे करें अपनी फसलों पर। स्प्रे में क्या करना है आपको, 1 लीटर तो ये लेना है जो हमने अभी कल्चर बताया, 1 लीटर आप ये ले सकते हैं। और 1 लीटर यदि आपके पास खट्टी लस्सी अवेलेबल है तो 15 लीटर के पंप में आपने 1 लीटर ये जो कल्चर तैयार हुआ है ये डालना है। 1 लीटर यदि आपके पास लस्सी अवेलेबल है, खट्टी लस्सी, 1 हफ्ते पुरानी
भी लस्सी है तो वो भी डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा पुरानी है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज़्यादा पुरानी कितनी भी पुरानी हो वो उतनी ही बेहतर तरीके से काम करती है। तो 1 लीटर ये लेंगे, 1 लीटर खट्टी लस्सी डालेंगे आप 15 लीटर के टैंक में, और बाकी का पानी डालकर अपनी किसी भी फसल पर इसको स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रस चूसक जो कीट हैं फसलों पर वो कंट्रोल हो जाएंगे। उसके साथ साथ फसलों में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति करता है, वो भी एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिकली जब ये उसको मिलते हैं और जो रस चूसक कीट है हमारे प्लांट पे, वो उनका जो स्ट्रेस है हमारे प्लांट पे वो खत्म हो जाता है, यानी कि रस चूसक कीट हमारे प्लांट पर नहीं रहते हैं। और उसके साथ साथ उसको जो सभी पोषक तत्व हैं वो सप्लाई होते हैं इसके द्वारा एकदम ऑर्गेनिकली, तो पौधे के जो ग्रोथ है आप उसमें स्वयं बदलाव देखेंगे, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप इसके आपको 2 या 3 स्प्रे आपको देने हैं। यदि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं आ रही है, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं आ रही है, तो 3 स्प्रे आप 1-1 हफ्ते के अंतर से आप इसके दे सकते हैं। यदि आपके पास हर बार खट्टी लस्सी अवेलेबल नहीं है तो आप इसी का स्प्रे दे सकते हैं, 1 लीटर ये डालेंगे आप। यदि आपकी बड़ी क्रॉप है तो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं, 1.5 लीटर डाल के बाकी का पानी डाल के भी स्प्रे कर सकते हैं। क्रॉप छोटी है तो 1 लीटर डाल के और पानी डाल के स्प्रे करें। 2 महीने से यदि आपकी छोटी क्रॉप है तो उस पर इसका स्प्रे बिल्कुल ना करें, उससे बड़ी क्रॉप पर ही इसका स्प्रे दें। 1 हफ्ते के अंतर से आप 3 स्प्रे देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे बदलाव अपनी फसलों में देखेंगे। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बेहद ही इफ़ेक्टिव है, बेहद ही प्रभावशाली है। हमने इसका प्रयोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी के बाद हम आपको इसको बता रहे हैं। तो आप इसका प्रयोग करें, उसके बाद हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा इसका रिजल्ट मिला। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको मैं और ऐसी कोई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।